तो एशिया कप 2023 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 30 अगस्त से एशिया कप 2023 की शुरुआत होगी और आप सभी को बेसब्री से इंतजार है एशिया कप 2023 की टीम का कि वो कौन से 15 खिलाड़ी होंगे जो एशिया कप 2023 की टीम का हिस्सा होंगे। हालांकि अभी बीसीसीआई ने एशिया कप 2023 की टीम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन उससे पहले एनसीए से एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है जो संजू सैमसन के लिए काफ़ी खतरनाक है। संजू सैमसन को एशिया कप 2023 की टीम से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो आखिरकार वो कौन सी टीम है बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। तो वो कौन सी खबर है जो संजू सैमसन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, संजू सैमसन को एशिया कप 2023 की टीम से बाहर का रास्ता दिखाती है, चलिए आपको बताते हैं। तो एनसीए से खबर आई है और एक बहुत बड़े मीडिया हाउस यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी है केएल राहुल को लेकर कि केएल राहुल जो है वो एशिया कप 2023 के लिए पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और वो टीम सिलेक्शन के लिए तैयार हैं, यानी कि एशिया कप 2023 खेलने के लिए तैयार हैं। अगर केएल राहुल वाकई में फिट होते हैं, हालांकि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है ना ही बीसीसीआई ने ना ही एनसीए ने, लेकिन फिर भी टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर इस खबर की माने तो केएल राहुल बिल्कुल फिट हो चुके हैं और एशिया कप 2023 की टीम के लिए अवेलेबल हैं और उनके कुछ वीडियोस भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें वो लगातार प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं, बैटिंग करते दिख रहे हैं और फील्डिंग करते दिख रहे हैं, कीपिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर सच माने तो केएल राहुल जो है वो एशिया कप 2023 के लिए एकदम फिट हो चुके हैं और वो तैयार है एशिया कप 2023 की टीम के लिए। अगर ऐसे में केएल राहुल पूरी तरीके से फिट हैं और वो अवेलेबल हैं एशिया कप 2023 के लिए तो ये संजू सैमसन के लिए काफ़ी खतरनाक खबर है। संजू सैमसन को टीम से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं, वो पहले भी ये कारनामे कर चुके हैं और उन्हें खासा एक्सपीरियंस भी है। और संजू सैमसन जो कहीं ना कहीं केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के इंजरी की वजह से उनको टीम में जगह मिल सकती थी। संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी ओडीआई में शानदार पचासा भी जड़ा, तूफानी पचासा जड़ा, लेकिन यहां पर अगर केएल राहुल फिट हो जाते हैं पूरी तरीके से तो केएल राहुल की डायरेक्ट एंट्री एशिया कप 2023 में हो सकती है। और उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि बीसीसीआई का खासा प्रेम है केएल राहुल से और कप्तान रोहित शर्मा की पहली पसंद भी केएल राहुल ही हो सकते हैं। ऐसे में संजू सैमसन के लिए बहुत ही खतरनाक खबर है अगर केएल राहुल फिट हो जाते हैं। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि केएल राहुल फिट हो चुके हैं और एशिया कप 2023 के लिए अवेलेबल हैं। और अगर इंजरी के बाद केएल राहुल की डायरेक्ट एंट्री होती है एशिया कप 2023 में तो ये टीम के लिए काफी खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर केएल राहुल की बिना प्रैक्टिस मैच खेले एशिया कप 2023 की टीम में डायरेक्ट एंट्री हो सकती है तो कहीं ना कहीं ये टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर केएल राहुल एशिया कप 2023 में फ्लॉप हो गए तो टीम इंडिया मुकाबले भी हार सकती है। हालांकि केएल राहुल के फिट होने पर बीसीसीआई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, तो आप क्या सोचते हैं कि किसको एशिया कप 2023 में मौका मिलना चाहिए, केएल राहुल, संजू सैमसन, ईशान किशन? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।